लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओशन अपने हेवनली डस्ट फिस्ट का यूज करते हुए अभी एम्परर के ऊपर भी अटैक कर देता है। तो अभी अटैक को देखकर ही एम्परर भी अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट कर लेता है जिसका नाम हेवन एम्परर स्वॉर्ड था, जो शाओशन के अटैक को बहुत ही आराम से झेल लेता है, जिसके बाद ही एम्परर इस स्वॉर्ड को सीधे शाओशन की ओर भेज देता है। तब शाओशन भी एम्परर के इस अटैक को बस एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर शाओशन इस एम्परर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि आखिर क्यों इस बार मुझसे भी फाइट करने से पीछे नहीं हट रहा है, वाकई में इसने सुप्रीम लेवल के पीक लेवल को अचीव कर लिया है। तब यल्ला भी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, तुम्हारे एक एक अटैक का जवाब है मेरे पास। जिस पर शाओशन अभी एम्परर से कहता है कि बहुत खूब यल्ला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वो पहले वाले यल्ला हो जो पहले मेरे और लुएनफी के नाम से ही कांपा करते थे। तब यल्ला कहता है कि तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। जिस पर शाओशन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पावर्स पे इतना ही भरोसा है तो तुमने तब इंटरफेयर क्यों नहीं किया जब मैं तुम्हारे आदमी को पीट रहा था। तब यल्ला कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, जवाब तो तुम्हें भी पता है। दावजन को लगता था कि वो मेरे अंडर रह के आउटर रियल वालों के लिए काम करेगा और मुझे इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। जिस पर शाओशन कहता है कि अच्छा, तो तुम भी उसके आउटर रियल की हाइट की हुई ऑरा को फील कर सकते थे। तब यल्ला अपने ऑरा को निकालते हुए कहता है कि बिल्कुल, अगर मैं चाहता तो उस गद्दार को कब का खत्म कर चुका होता, मगर मैं तो बस ये देख रहा था कि आखिर उसकी प्लानिंग कहाँ तक है। जिस पर शाओशन कहता है कि चलो, अब तुम पहले की तरह स्टूपिड नहीं रह गए। तब यल्ला अपने स्वॉर्ड को फेर करते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, चलो अब बातें बहुत हो गई, मेरा ये स्वॉर्ड जो कि कई सारे हेवनली मैजिक वेपनों से मिलकर बना हुआ है, वो कब से तुम्हारी फिजिकल बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए मारा जा रहा है। जिस पर शाओशन कहता है कि लास्ट चांस दे रहा हूँ, जो कुछ भी बोलना है जल्दी बोल लो, क्योंकि अगर एक बार मैं शुरू हो गया तो फिर तुम्हें पलके झपकाने का भी मौका नहीं दूंगा। तब ये सुन के यल्ला बहुत ही गुस्से में कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, चलो अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी फिजिकल बॉडी मेरे इस स्वॉर्ड के कितने अटैकों को झेल पाएगी। जिस पर शाओशन कहता है कि खुद ही काउंट कर लेना, क्योंकि मैं तो तुम्हें पीटने में बिजी रहूंगा। तब इतना सुनते ही एम्परर सीधे एक अटैक को शाओशन की ओर कर देता है, जिस पर शाओशन भी वेस्ट कहते हुए अपने एक अटैक को भेज देता है, और अब इन दोनों के अटैक टकराने की वजह से ये दोनों ही अटैक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तब शाओशन एक जी जला देने वाले स्माइल के साथ यल्ला को देखता है, जिस पर यल्ला कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, तुम्हें अभी से इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खत्म करने के लिए अभी भी मेरे पास कई सारे अटैक बाकी है। और इतना कहकर यल्ला अपने स्वॉर्ड को फ्री कर देता है, जिसके बाद यल्ला अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए शाओशन से कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, अब इससे बच के दिखाओ। और इतना कहकर यल्ला शाओशन की ओर एक अटैक को भेज देता है जिसका नाम होली स्वॉर्ड था। तब इस अटैक को देखकर शाओशन कहता है कि इसमें नया क्या है, और ये कहकर शाओशन भी अपने पर्पल हेवनली पंच को भेज देता है जो तुरंत इस अटैक को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर तभी यल्ला एक और स्वॉर्ड को शाओशन की ओर भेज देता है, जिससे शाओशन भी अपने पावरफुल ऑरा से रोकने लगता है। तब ये देखकर यल्ला हंसते हुए अपने स्वॉर्ड के पावर्स को बढ़ा देता है, जिसे देखकर अब शाओशन भी फॉर्म में आते हुए कहता है कि मजा आना तो अब शुरू हुआ है। और इतना कहकर शाओशन अब बहुत ही गुस्से में अपने चारों एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड शाओशन के पास आना तो दूर उसके इस फॉर्मेशन को भी ब्रेक नहीं कर पाता है। तब ये देखकर यल्ला बहुत ही शॉक होते हुए कहता है कि क्या तुमने वाला प्रीमॉडल चक्रा की इस टेक्निक में महारत हासिल कब की, ये टेक्निक तो बस 1000 साल पुराने सुप्रीम और मास्टरों को ही आती थी। और अब इन दोनों हेवनली अटैक से टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी श्रीलंका का हेवनली नेचर भी अपेयर होता है। मगर शाओशन और यल्ला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों ही अपना अपना बेस्ट देते हुए एक दूसरे के ऊपर पूरी पावर से अटैक करते हैं, लेकिन बार बार इन दोनों का अटैक एक दूसरे को ही डॉच कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों सुप्रीम भी पीछे हट जाते हैं। और अब शाओशन की पावर देखे यल्ला थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, आखिर तुम एक स्ट्रीक का यूज कर रहे हो, मैं फील कर सकता हूँ कि अभी तक तुमने अपने ओरिजिनल पावर से 1% भी यूज नहीं किया है, तो फिर आखिर तुम्हारे अंदर इतनी क्यों आई और इतनी पावर कहाँ से रही है। जिस पर शाओशन कहता है कि यल्ला, सबसे पहले तुम्हें घबराना नहीं है, तुम मुझे मेरे प्रीवियस लाइफ से ही जानते थे, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता था कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ही तुमने मेरे सामने वेपन उठाने की हिम्मत की, इसलिए अब मेरे सामने इस तरह से तिल मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें मारूंगा ही। जिस पर तभी हेवनली नेचर इन दोनों को पनिश करने के लिए अपने थंडर को बरसा देता है, मगर यल्ला भी अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है, और शाओशन भी उस अटैक से बचने के लिए अपनी जगह से हिलता तक भी नहीं, यह थंडर शाओशन के प्रोटेक्शन बैरियर को भी ब्रेक नहीं कर पाता है। जिसके बाद शाओशन इस नेचर से कहता है कि पावर ऑफ हेवन, तुम हमें पनिश नहीं कर सकते, हमारी पावर सुप्रीम लेवल के पीक लेवल के भी बियॉन्ड है, इसलिए अच्छा हुआ कि तुम गिव अप करके हम दोनों के बीच इंटरफेयर करना बंद कर दो। तब ये सुन के पावर ऑफ नेचर भी गायब हो जाता है, जिसे देखकर अब यल्ला के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि शाओशन अब सीधे नेचर को भी चैलेंज कर रहा था। जिस पर अब यल्ला अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इतनी जल्दी इसके सामने आके कोई गलती कर दी है, क्योंकि जैसे जैसे फाइट बढ़ रही है एक से एक एंशिएंट टेक्निक को बाहर निकाल रहा है, ऐसे टेक्निक जिनके बारे में मैंने सिर्फ रूमर सुना था, लगता है मुझे किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे डर है कि मैं इसके हाथों से नहीं बच पाऊंगा। तब यल्ला के मन के बातों को सुनने के बाद शाओशन एक बहुत ही क्यूट स्माइल देते हुए यल्ला से कहता है कि पगले, भला आज तक कोई अपनी मौत से बच पाया है। और इतना कहकर शाओशन सीधे यल्ला के पास जाके उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसके प्रेशर से यल्ला खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर शाओशन का यह अटैक यल्ला को सीधे जमीन की ओर भेज देता है। तब शाओशन बहुत ही हंसते हुए यल्ला के पास जमीन पे गिरने से पहले ही पहुंच जाता है, और फिर एक पंच मार के आसमान की ओर उड़ाते हुए कहता है कि क्या कहा था तुमने, तुम मुझे पापों की सजा दोगे। और इतना कहकर शाओशन इसे अपने स्टाइल में कुत्तों की तरह पीटना शुरू कर देता है,
जिसके बाद साशा ने इसे एक लास्ट किक मारते हुए कहा था कि पता इतने पावरफुल होने के बावजूद भी तुम उसे इस तरह से क्यों पीट रहे हो, क्योंकि तुम एक कमजोर भगोड़े हो। तब इस किक को खाते ही लव सीधे जमीन में आके धंस जाता है, जिस पर साशा ने बहुत ही गुस्से में कहा था कि मुझे तुम्हारे से लोगों से कतई नफरत है जो कायरों की तरह बस कमजोर पे ही अपना बल आजमाते हैं, और जब कोई पावरफुल पर्सन उनके सामने आ जाए तो फिर भगोड़ों की तरह मुंह छिपा के वहां से भाग जाते हैं। तब ये सुनकर यल्लाव अपने आप से कहता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मैं एक कायर हूँ, एक ऐसा कायर जो उस दिन भी अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था। और अब सीन चेंज होता है और हमें यल्लाव के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्योनफी इसके क्लैन के सारे लोगों को मार रहा था, और अब बस कुछ ही देर में ल्योनफी यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारता है, मतलब इस तरह से मारता है कि इसके क्लैन का एक पर्सन भी नहीं बचता है। जिस पर अब यल्लाव बताता है कि उस दिन ल्योनफी ने सबको चुन चुन के मारा, मेरे चारों ओर इतनी लाशें बिछी थी कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं लाशों की ढेर में छुप गया, और मेरे अंदर ल्योनफी का डर इतना ज्यादा बैठ गया था कि मैं कई महीनों तक वहाँ से निकला ही नहीं। लेकिन समय बीता और ये लाशें भी मिट्टी में मिल गई, तब मैं फिर से काफी हिम्मत जुटा के उस छिपे हुए जगह से बाहर निकला, जिसके बाद मैं पागलों की तरह भटकते हुए चलता गया, और चलते चलते मैं खुद से बस एक ही बात पूछ रहा था कि आखिर मैं वहाँ पे क्यों छिपा था और मैं भला ल्योनफी से इतना डर क्यों रहा हूँ। तब मेरे अंदर से आवाज आई कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, और तब मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इतना पावरफुल बनूंगा कि मैं उन सारे लोगों को खत्म कर सकूं जो कि मेरे क्लैन के कातिल हैं। तो गाइस मैं जानता हूँ कि स्काईलॉर्ड सीरीज का सिर्फ एक एपिसोड जो सिर्फ सैटरडे को ही रिलीज होता है, ये आप लोगों के लिए इनफ नहीं है, इसलिए कल से मैं एक और नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट दोनों है। और मजे की बात ये कि सीरीज में एपिसोड की कोई भी कमी नहीं है, यानी ये ऑनगोइंग सीरीज वाला चक्कर नहीं है। तो अब मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।